शाहरुख खान की ड्राइवर से पूछताछ के बाद कितने एक्शंस लिए गए एनसीबी की तरफ से, हम इस पर आज हम आपको जवाब देना चाहेंगे। शाहरुख के बेटे आर्यन के लिए जो ड्राइवर उनके लिए काम किया करते थे, जो उनके सर्विस दिया करते थे, उस ड्राइवर की बात की जाए तो फिर ड्रग मामले में जांच एजेंसी की मुस्तैदी से ड्रग मामले में कड़ाई के वक्त जो हुआ उसकी बात करेंगे। 6 घंटे तक ड्रग्स केस में ऑपरेशन चला, इसमें शौर्य के ड्राइवर से पूछताछ के बाद ऑपरेशन चला। आर्यन खान समेत एनसीबी ने 2 अक्टूबर को 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि मुंबई से गोवा जा रहे थे क्रूज पार्टी में, रेप पार्टी में छापेमारी के दौरान ड्रग्स बरामद किए गए, नशीले पदार्थ कई बरामद किए गए, लाखों के कैश बरामद किए गए। पता चला यहाँ ड्रग्स पार्टी शुरू हो चुकी है और ऐसे में 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जो आर्यन खान को भेजा गया है, उनके बारे में शाहरुख और गौरी की हालत है इससे सब जानते हैं। क्या आपको मालूम है किस तरह से सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा इस वक्त आर्यन खान के ड्राइवर के बारे में हो रही है? तो आपको यहाँ हम जानकारी देना चाहेंगे शाहरुख खान यानी कि बॉलीवुड के बादशाह खान के ड्राइवर्स कौन है जो कि आर्यन खान को सुविधा देते थे। आर्यन खान के ड्राइवर का चेहरा खुलकर सामने नहीं आया था, उनके बारे में कई पता लगाने की कोशिश की गई थी बातें, लेकिन उसे छुपाया भी गया था। क्रूज पार्टी के बारे में शाहरुख के बेटे आर्यन के ड्राइवर से पूछताछ में कितनी बातें सामने आई हैं, सवाल इस पर उठा है, क्योंकि आर्यन खान कहाँ जाते थे, इनसे मिलते थे, ये सब पूछताछ के लिए आर्यन खान के ड्राइवर के लिए घंटों इंट्रोगेशन चले, ताकि ये पता चल सके कि आर्यन खान के साथ साथ कौन है वो उनके बहुत करीबी जो कि उनके साथ रहे हैं, जिन्हें आर्यन खान जानते हैं और जिनसे आर्यन खान के इस ड्रग मामले के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, आर्यन खान के ड्रग मामले पर पूछताछ और कार्यवाही चल रही है। अगर आप देख रहे हैं तो ये शख्स वो है जो कि आर्यन खान को हमेशा फैसिलिटी देते रहे हैं, ड्राइवर का काम गौरी खान शाहरुख के लिए ये शख्स करते आए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।